मार्टिना नवरातिलोवा ने पीएम मोदी पर ली चुटकी, ट्रोलर्स ने जवाब देकर कर दी छुट्टी। अमेरिका की पूर्व टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा का एक ट्वीट इन दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कई ग्रैंड स्लैम विजेता मार्टिना ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा वाली खबर पर चुटकी ली है। 10 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद टीवी को एक दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी तानाशाह नहीं है। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। बल्कि उनके जैसा देश में लोकतांत्रिक नेता नहीं हुआ है और वो हर फैसला सलाह लेने और सभी की सुनने के बाद करते हैं। इसके बाद मार्टिना ने इस खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा, और ये है मेरा अगला जोक। बस फिर क्या था, इधर मार्टिना ने ये ट्वीट किया, उधर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हंगामा मच गया। उनके इस ट्वीट के बाद पीएम के समर्थकों ने नवरातिलोवा को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें जमकर लताड़ लगाई। मार्टिना इस कमेंट के बाद भारत में ट्रोल होने लगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग मार्टिना नवरातिलोवा से वो ट्रेंड कर रही थी। एक यूजर ने लिखा, अब मैं वह मैच नहीं देखूंगा जिसमें वो खेलेंगी। आपको बता दें कि मार्टिना नवरातिलोवा टेनिस की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक रही हैं। 70 और 80 के दशक में उन्होंने महिला टेनिस की दुनिया में राज किया। मार्टिना ने अपने पूरे करियर में 167 टेनिस टाइटल जीते हैं, इसमें से 18 ग्रैंड स्लैम, 31 अन्य बड़े टूर्नामेंट और कई मिक्स डबल टूर्नामेंट भी शामिल हैं। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती अब भारत में अपने एक ट्वीट के कारण विवादों में है और ट्रोलर्स का निशाना बन रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।